जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आज छठा दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस को नोटिस भी भेजा गया था और जवाब मांगा गया था। बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग पर पहलवान अड़े हैं और आज छठे दिन भी धरना प्रदर्शन पहलवानों का जारी है। और आपको बता दें कि आज अहम दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस को नोटिस भी भेजा गया था, जवाब मांगा गया था और ये कहा गया था कि आखिर जब शिकायत पहलवानों के द्वारा दी गई, महिला पहलवानों के द्वारा, तो आखिर मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया, इसे लेकर जवाब मांगा गया है और आज इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ये तमाम पहलवान अडिग हैं और अडिग इसलिए ये लगातार मांग कर रहे हैं कि WFI के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाए और साथ ही साथ उन पर कार्रवाई की जाए। और इसलिए आपको बता दें कि इसे लेकर कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन इसका भी विरोध करते हुए पहलवान नजर आ रहे हैं क्योंकि जांच से पहलवान संतुष्ट नहीं है। और हमारे संवाददाता विनय जंतर मंतर से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, क्या ताजा तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं? लेकिन उससे पहले देखिए, आज अहम दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। कब तक सुनवाई होगी और फिलहाल जो है जंतर मंतर से क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज छठा दिन है यहाँ पे पहलवानों के धरने प्रदर्शन का। और मैं अगर आपको अभी की ताजा तस्वीरें दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर धरना स्थल पर यहाँ पहलवान डटे हुए हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग यहाँ पे चूंकि समर्थन में आ रहे हैं, पिछले जब से पहलवान यहाँ धरने पे बैठे हैं तब से यहाँ पे समर्थन पे लोग आ रहे हैं और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि आज भी कई लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि पहलवान धरने का छठा दिन है और लगातार पहलवान भी समर्थन मांग रहे हैं और उसी समर्थन के तहत यहाँ पे लोग जुट रहे हैं, खाप पंचायतें जुट रही हैं और साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कई राजनेता भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये समर्थन का सिलसिला जारी है, तो वहीं पहलवानों का धरना भी जारी है। आज का दिन इसलिए भी यहाँ पे अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उस पर सुनवाई है। माना जा रहा है कि तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। यहाँ पे जो पहलवान बैठे हैं धरने पर उनको भी सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कोई ऐसा निर्देश आता है जो इनके हक में हो, जो इन पहलवानों के हक में हो। क्योंकि जिन 7 महिला पहलवानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है उसमें कहा गया है कि जो दिल्ली पुलिस है उनकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने मांग की है कि कोर्ट दिल्ली पुलिस को निर्देश दे कि दिल्ली पुलिस उनकी शिकायत पर FIR दर्ज करे। शिकायत में ये कहा गया है कि जो उन शोषण के आरोप लगाए गए हैं बृजभूषण के खिलाफ, और लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस ये तर्क देती आ रही है कि इस तरह के आरोपों पर FIR से पहले जांच की जाती है, प्रारंभिक जांच की जाती है और वो जांच जारी है। ये तमाम तरह की दलीलें देखना है कि कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस क्या देती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस से नोटिस जारी किया था और उस नोटिस का जवाब दिल्ली पुलिस को आज कोर्ट में देना है। सभी को इंतजार है, यहाँ पे जो पहलवान बैठे हैं उनको भी इंतजार है, बृजभूषण शरण को भी शायद इस बात का इंतजार होगा कि आज कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट क्या कोई निर्देश देता है या नहीं। और जहाँ तक धरने की बात है तो इन पहलवानों का कहना है कि जब तक बृजभूषण के खिलाफ FIR नहीं होगी वो यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। जी ठीक है विनय, बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचा दें। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का हल्ला बोल जारी है। बृजभूषण सुरंग के आपराधिक इतिहास का बैनर लगाया गया। पोस्टर में बृजभूषण के खिलाफ कुल 38 मामलों का जिक्र किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बृजभूषण जिनके खिलाफ लगातार देखिए जो पहलवान हैं वो आवाज उठा रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब जो है उसी को लेकर आपराधिक इतिहास का बैनर लगाया गया है और पोस्टर में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुल 38 मामलों का जिक्र किया गया है। तो ये देखिए पोस्टर लगाया गया है जिसमें 38 मामलों का जिक्र किया गया और बताया गया है कि इन पर पहले से ही आपराधिक मामले हैं। और विनय सिंह हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विनय, देखिए जिसे लेकर लगातार पहलवान हल्ला बोल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो बैनर लगाया गया है बृजभूषण शरण के आपराधिक इतिहास का, किसने ये बैनर लगाया है और कहां पर लगाया गया है ये बैनर?
देखिए जहां जंतर मंतर पर ये धरना जारी है, यानी कि पहलवानों का जो धरना स्थल है वहीं पर ये बैनर लगाया गया है। आपको मैं ये बैनर भी दिखा दूं कि किस तरह से यहां पर ये बैनर लगाया गया है। इन खिलाड़ियों का जो धरना स्थल है ये यहाँ बैनर है, हालांकि यहाँ पे नीचे किसी का नाम नहीं लिखा है कि किसकी तरफ से लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे चूंकि जो धरना स्थल है, यहाँ धरना स्थल पे तीन बैनर इस तरह के लगाए गए हैं, तो ये इसमें ये जरूर लिखा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी देखना होगा, क्योंकि इसमें 38 अलग अलग जो आपराधिक मामले हैं ये दिखाया गया है कि इसमें 38 अलग अलग मामले अलग अलग थानों में ब्रजभूषण शरण के खिलाफ दर्ज है। इसमें कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जो आर्म्स एक्ट की हैं, कुछ धाराएं ऐसी हैं जो गैंगस्टर एक्ट की हैं, तो 38 अलग अलग मामले अलग अलग दिखाए गए हैं। थानों का भी जिक्र है कि कौन कौन से थानों में ये मामले दर्ज हैं। ये पोस्टर आज खिलाड़ियों की तरफ से लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी इस पोस्टर के जरिए, इस बैनर के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण की जो छवि है वो आपराधिक है, और पहले से ही कई मामले ब्रजभूषण शरण के खिलाफ दर्ज है, और इसी पोस्टर बैनर के जरिए यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है दबाव बनाने की ब्रजभूषण शरण के खिलाफ। खिलाड़ियों का कहना है कि ये मामले ये इसलिए यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि किस छवि का व्यक्ति है ब्रजभूषण शरण। इस पोस्टर के मुताबिक ब्रजभूषण शरण पे कई थानों में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, कई मामलों में आम एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, और भी कई मामले दर्ज हैं ब्रजभूषण शरण के खिलाफ। इस पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है, तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण की जो छवि है वो किस तरह की है वो यहाँ पर खिलाड़ियों की तरफ से जो ये बैनर लगाया गया है जंतर मंतर पे धरना स्थल पे वो बताने की कोशिश की जा रही है। 38 कुल अलग अलग मामले यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिनमें से कई गंभीर आरोप, कई गंभीर मामले इस पोस्टर के मुताबिक ब्रजभूषण पे दर्ज हैं। जी तो क्या विनय, जो ये पोस्टर निकाले गए हैं ये कहाँ से, जो ये पूरा डाटा निकाला गया है खिलाड़ियों की तरफ से कहाँ से निकाला गया है और इसमें कितनी सच्चाई है ये भी बताइए। देखिए खिलाड़ियों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए पूरी स्टडी की है, ब्रजभूषण शरण का पूरा इतिहास खंगाला है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उन थानों से रिकॉर्ड से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मामले दर्ज हैं तो वहाँ पे एक्ट भी दर्ज है कि कौन कौन सी धाराएं लगी है ब्रजभूषण शरण पे। थानों का भी जिक्र है कि कौन कौन सी कोतवाली में ये मामले दर्ज हुए हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये उन थानों से पता चल पाएगा। इसलिए ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि जो इस बैनर में लिखा गया है, जो धाराएं, जो कोतवाली के बारे में जिक्र है उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इन पहलवानों का कहना है कि उन्होंने पूरी जो इतिहास है खंगाला है, अलग अलग जगह से इन्होंने इनपुट बटोरे हैं, उसके तहत ये बैनर इन्होंने तैयार किया है। जी चलिए ठीक है विनय, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।